बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद ज़ौक और शौक। आज हम यहाँ पे बिरयानी बनाने का तरीका सिखाने जा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनती है, झटपट बनती है, तो मेरे साथ रहिए ताकि मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी बिरयानी सिखाऊं। और ये बहुत आसान है, ये बहुत आसानी से बन जाती है जी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको सारे इन्ग्रीडियंट्स नज़र आ रहे हैं बिरयानी के, तो आप चावल भी देख रहे हैं, चिकन भी देख रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले ये चिकन हमने 1 किलो ली है और इसको साफ़ कर लिया है, धो लिया है और उसमें हल्के हल्के से जैसे होता है ना कट लगा लिए हैं, ठीक है। तो अब जो है इसकी सफाई करके हमने इसको एक साइड पर रख दिया है। अब जो है हम चावल लिए हैं, हमने चावल तकरीबन हमने 1 किलो के हिसाब से 1 किलो ही चावल लिए हैं, यानी 4 कप चावल लिए हैं। और ये हमने इसको अभी भिगोया नहीं है, लेकिन ये क्या है, भिगो के हम रखेंगे इसको पानी के अंदर। और ये बासमती राइस हैं। फिर हमने टमाटर लिए हैं 3 अदद, दही लिए है 1 कप, और इसमें जो है इसको फेंट लिया है। प्याज हमने 1 कप लिया है यहाँ पे, और आपको नज़र आ रहा है ये तलावा प्याज है, हमने तल लिया था 1 कप प्याज तलावा हमने लिया है। ये जो प्याज़ है ये हमने 2 अदद बड़े वाले ले लिए थे और उसको तल लिया था। तो ये बेसिकली 2 बड़े प्याज हैं, इनको हमने तल लिया था यहाँ पे। अच्छा, और ये 1 कप बन गए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो अब मसालों में, ये बिरयानी मसाला है जो कि 2 टेबल स्पून ले लें आप, कोई सा भी बिरयानी मसाला ले लें। ये हल्दी पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये मिर्ची पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है 2 टेबल स्पून, ये गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, ये धनिया पाउडर है 2 टेबल स्पून, और ये मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं जो कि 3 से 4 से 5 तकरीबन, ये मैंने हरी मिर्चें इस तरह लंबी लंबी काट ली हैं। तो ये इस तरह का ये आपका पिसा मसाला हो गया। आप खड़ा मसाले में हमने ये 3 से 4 कड़ी पत्ते हैं, जावित्री है, 2 इलायची हैं, ये बड़ी इलायची है, और फिर इसके बाद जो है ये दालचीनी है, ये 4 से 5 जो है हमने वो ले ली है काली मिर्च थी, और ये लौंग हमने ले ली थी। तो ये तकरीबन सब जो है खड़ा मसालों में आ गया। ये हमने पुदीना ले लिया है 1 कप और इसको साफ और काट लिया है, धो लिया है। और ये हरा धनिया हमने ले लिया है, ये हमने घी लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून, ताकि हम आप इस बिरयानी के अंदर जो है आपको डाल के दिखाएँ कि किस तरह इसका टेस्ट आता है। यहाँ पे हमने जो है लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 3 टेबल स्पून, और यहाँ पे हमने नमक लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून, और ये जो है रंग के लिए हमने 2 रंग सेलेक्ट किए हैं, जो कि एक ऑरेंज है और एक पीला है। और यहाँ पे हमने तेल ले लिया है तकरीबन 1/4 कप। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स से आपने देख लिए, अब आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम चिकन के अंदर जो है, हमने ये चिकन धो ली थी, तो अब इस चिकन के अंदर हम सारे मसाले डाल देंगे। आप देखते जाएं किस तरह हम सारे मसाले एक साथ इसके अंदर डालते जाएंगे। पहले हम जो है यहाँ पे हम आपके सामने डालेंगे चिकन के अंदर जो है ये लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया। फिर उसके बाद जो है हम डालेंगे यहाँ पर टमाटर, जो कि हमने 3 अदद लिए थे दरमियाने साइज़ के। फिर हमने यहाँ पे चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए, अब दही 1 कप डाल दी। फिर हम सारे पिसे हुए मसाला डाल देंगे, जिसमें बिरयानी मसाला, नमक, मिर्च, धनिया और गरम मसाला था, और ये हमने हरी मिर्च भी डाल दी, अब नमक भी डाल दिया हमने इसके अंदर, जो कि हमारे पास 3 टेबल स्पून था। बिरयानी में थोड़ा नमक ज़्यादा डलता है। फिर उसके बाद जो है हमने यहाँ पर तलावा 1 कप प्याज था, जो कि तलावा था, जो हमने 2 बड़े प्याज को तल लिया था यहाँ पर डाल दिया। फिर हमने पुदीने को ज़रा सा तोड़ तोड़ के इसके अंदर इस तरह करके ना जैसे छोटा छोटा करके डाल दिया, ताकि ये इसके अंदर इसकी खुशबू आ जाए। ये हम एग्जैक्टली मैरिनेट कर रहे हैं। अब हमने हरा धनिया भी इसके अंदर डाल चुके हैं, और अब इसको ना अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि ये सब एक यकजा हो जाए, और थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे यहाँ पर। जब इसको मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इसको मिक्स करके ना तकरीबन आधे घंटे के लिए आप यहाँ पे छोड़ दें, ताकि मसाला सारा इसके अंदर बैठ जाए। फिर यहाँ पे हम जो है आपको बताएंगे कि तेल के अंदर किस तरह इसके मसाले को बनाना है। अब जब आधा घंटा गुजर जाए, अब यहाँ पे आधा घंटा गुजर चुका है, तो अब जो है हम तेल के अंदर जो है सारे खड़े मसाले डालेंगे। यहाँ पर हमने जो 1/4 कप तेल लिया था वो हमने डाल दिया है, और यहाँ पे हम सारे खड़े मसाले डाल रहे हैं, जिसमें ये आपको नज़र आ रहा है। इसको हम हल्का सा तल लेंगे। लौंग है, काली मिर्च है, जावित्री है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची है, कड़ी पत्ता है,
तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था, तो तेल में हल्का हल्का सा इसका जायका आ जाए इसलिए हम पहले इसे तल लेंगे, फिर हम सारा मसाला जो मैरिनेट हमने किया था बिरयानी का वो इसके अंदर डाल देंगे, ताकि ये जो है तेल के अंदर जो खुशबू खड़े मसाले की आई है वो इसके अंदर भी आ जाए। फिर उसके बाद जो है जब हम मैरिनेट सारा डाल देंगे और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे, और जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये अच्छे से पहले मिक्स कर लें फिर ढकिएगा, अभी नहीं ढकिएगा, पहले इसको मिक्स कर लें, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए फिर ढकिएगा। यहाँ पे मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही मज़े का इंग्रेडिएंट है। आप पहले दही लें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दही है, तकरीबन आधा कप दही ली मैंने। इसमें हरा धनिया डालूँगी, आधी गट्टी हरा धनिया मैंने डाल दिया, और यहाँ पे मैंने मिर्चें डाल दी, मिर्चें यहाँ पे मैंने इसको पूरा यूज़ नहीं किया था, मैंने इसे आधा यूज़ किया था। यहाँ पे छः से आठ मिर्चें नज़र आ रही हैं आपको, तो ये मैंने इसके रायते के लिए भी रख लिया था। देखिए मैंने ये पीस ली हूँ यहाँ पे, इसको अच्छे से आप पीस लें ताकि ये जो है रायते के लिए भी यूज़ हो जाए, और आधा मैंने जो है बिरयानी के अंदर डाला था जो कि मैं दिखा नहीं सकी आपको, लेकिन वो मैंने डाल दिया। मैं जो हूँ पानी के अंदर चावल उबालने जा रही हूँ, नमक मैंने डाल दिया है, तकरीबन मैंने इसमें नमक जो है 4 टेबल स्पून डाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है मैंने इसमें जो डाला है, मैंने जो है गरम मसाला पाउडर डाला है जो कि 1 टेबल स्पून है, और इसको मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया है। इसमें मैंने यहाँ पर हल्का सा ऑयल भी डाला है जो कि 2 टेबल स्पून है, ताकि चावल आपस में वो ना रहें, क्या कहते हैं, जुड़े ना। यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए हैं जो कि मैंने बासमती राइस लिए थे 4 कप 1 किलो, और ये जो है बिरयानी में आपके पास आ गए, मैंने इसको चेंज करके यहाँ पे आ गई हूँ। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे ढक दिया है, और ये सारा मैंने मिक्स कर दिया था। अब इसको मैंने ढक के जो है तकरीबन आधे से पौना घंटा पकाऊंगी। यहाँ पे देखें ये पौना घंटा गुजर चुका है, अब जो है ये देखें ये सूरत में आ गई है बिरयानी, तेल छोड़ दिया है। अब थोड़ा सा हम मिक्स करके देख लेंगे ऐसे कि ये क्या कहते हैं चिकन गल गई है। हाँ देखें बिल्कुल नज़र आ रहा है, हड्डी को छोड़ दिया है चिकन की बोटी ने, तो ये तकरीबन गल चुकी है। अब यहाँ पर हम जो है बिरयानी की तह लगाएँगे, तह में जो है आप देखेंगे कि किस तरह मैं लगाऊंगी तह को। सबसे पहले जो है यहाँ पे सालन, एक दूसरी देगची में आप डाल लें सालन को, क्योंकि हमारी देगची छोटी थी तो दूसरी देगची में पहले आप सालन सारा डाल लें, फिर उसके ऊपर जो है क्योंकि सालन नीचे रहता है ना तो फिर बिरयानी के चावल नहीं जलते, तो यहाँ पे पहले आपने सालन नीचे डाल लिया और बड़ी देगची ले ली ताकि आपका चावल खिले खिले पकें। तो वहाँ पर मेरे चावल हो गए थे तो वो मैंने छान लिए हैं। अब यहाँ पे जो है वो मैं चावल ऊपर से डालूंगी, और उससे पहले मैं यहाँ पे जो है मैंने 2 रंग लिए थे, इनको मिला के मैंने डाल दिया है, ऑरेंज और रेड रंग लिया था बेसिकली, और इसको मैंने इस तरह केवड़े के पानी में हल्का सा करके डाल दिया। यहाँ पे मैं जो हूँ तलावा प्याज जो मेरे पास थोड़ा सा था बच गया था वो डाल रही हूँ, हरा धनिया और पुदीना यहाँ पर मैं डालूँगी, थोड़े थोड़े पत्ते यानी कि आप समझ लें एक मुट्ठी मैंने डाल दिए थी अच्छे से पहले नीचे वाली तह में, फिर यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए हैं। देखिए कितने अच्छे खिले हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे जो चावल हैं वो खिले खिले होने चाहिए ताकि आपकी बिरयानी खिली खिली पके, और इसका सबसे एक बड़ा अच्छा प्यारा टोटका ये है कि जब आप चावल उबाल रहे हों तो हल्का सा सिरका डाल दें तो चावल खिले खिले पकते हैं। तकरीबन 1 किलो में आप आराम से 1 टेबल स्पून आप सिरका डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून से लेके 1.5 टेबल स्पून तक सिरका डाल सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया था बिरयानी का, वो मैंने इसको ऊपर से डाल रही हूँ ताकि ये इसके अंदर इसका कलर भी आ जाए और जायका भी आ जाए। फिर यहाँ पे जो है मैंने घी डाला है जो मैंने आपको बताया था, इसका इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मैंने घी के साथ फिर ये सारे जो पुदीना और हरा धनिया मिक्स था और जो प्याज तली हुई थी ये मैंने ऊपर से डाल दी पकिया, तो तकरीबन ये नीचे की तह में भी चले गए ऊपर की तह में भी चले गए। यहाँ पे मैंने इसको दम पे रख दिया तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, आराम से दम पे छोड़ दें हल्की आँच पे, बिल्कुल हल्की आँच पे छोड़ दें, और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी बिरयानी बनेगी केवड़े की वजह से। इसके अंदर जायका भी बहुत अच्छा आएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो ये थी बिरयानी, अब मैंने इसको छोड़ दिया तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पे 10 से 15 मिनट अब गुजर गए हैं, अब मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कि बिरयानी कैसी बनी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है ये बिरयानी। अगर आपने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर लाइक करें और मुझे अपनी कीमती मशवरे से आगाह करें कि कैसी आपको लगी है बिरयानी की रेसिपी। ये मैंने इसकी तस्वीर
क्या कहते हैं तस्वीर भी मैं लगा रही हूँ, साथ में इसकी वीडियो भी लगा रही हूँ। मैंने निकाल ली थी, डिश आउट कर ली थी, ऊपर से मैंने हल्का सा हरा धनिया गार्निश कर दिया था। और ये थी बिरयानी की रेसिपी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।